इलास्टिसिटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है, एक्सप्लेन व्हाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो ये तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है। इसके लिए केवल आपको कंसिडरेशन में लेने हैं दो वायर। सपोज कर लीजिए एक वायर ये है और एक वायर ये है। इस वायर का मैं नाम दे देता हूं, ये आपके पास स्टील वायर है, इसको मैं लिख देता हूं स्टील वायर, ठीक, और इसको ले देता हूं रबर वायर है। ये क्या है? रबर वायर। आपने दो वायर ले लिए हैं, एक रबर का वायर लिया है, एक स्टील का वायर लिया है। दोनों के लेंथ हम सेम ले लेते हैं और दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन भी सेम ले लेते हैं, और दोनों पे मैं क्या करता हूं, इक्वल फोर्स अप्लाई करता हूं। क्या करता हूं? इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो मैंने दोनों पे इक्वल फोर्स अप्लाई कर दिया। इक्वल फोर्स अप्लाई करने से होता क्या है, वायर में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वायर की लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वायर स्ट्रेस हो जाता है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो स्टील के वायर में जो चेंजेस आई है लेंथ में वो क्या आई है, डेल्टा एल एस आई है, और रबर के वायर में जो चेंज इन लेंथ है वो डेल्टा एल आर है। तो इस चीज को जरा कंसिडरेशन में क्या लिया है मैंने, उसको लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है वो मैं आपको लिख के बताता हूं। क्या हो जाएगा? कंसीडर टू वायर, कंसीडर टू वायर, यहां पे लैंग्वेज क्या होगी, कंसीडर टू वायर ऑफ सेम लेंथ एल एंड सेम, सेम कह लीजिए या आप इक्वल कह लेंगे, दोनों सेम ही बात है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन ए हो जाएगा, आपके पास लेंथ हो गई ए। वन वन ऑफ द वायर इज स्टील, वन वायर इज स्टील, एंड अदर वायर इज रबर। तो दो वायर ले लिए मैंने, एक आपके पास स्टील है, पहले कंसिडरेशन में लिया है, कंसिडर टू वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और सेम लेंथ है। वन वायर इज स्टील एंड अदर वायर इज रबर, ठीक है। बाय अप्लाइंग इक्वल फोर्स ऑन ईच वायर, ऑन इक्वल फोर्स अप्लाइड, दोनों जो वायर हैं उन पे मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ऑन इक्वल फोर्स अप्लाइंग ऑन इक्वल फोर्स अप्लाइंग ऑन ईच वायर, ऑन ईच वायर, मैंने क्या बोल दिया कि इक्वल फोर्स अप्लाइंग ऑन ईच वायर, यहां से हटा देता हूं, इक्वल फोर्स अप्लाइंग ऑन ईच वायर। इक्वल फोर्स क्या होगा, इक्वल फोर्स एफ अप्लाइंग ऑन ईच वायर, दोनों पे मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। इक्वल फोर्स अप्लाई करने से होगा क्या, लेट क्या कर रहा हूं कि जो डेल्टा एल एस क्या है, लेट इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन वायर ऑफ इन स्टील वायर, इंक्रीज इन लेंथ इन स्टील वायर, स्टील वायर पे क्या आ जाएगा, जो लेंथ इंक्रीज है वो आ जाएगा डेल्टा एल एस, और क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ इन रबर वायर। तो रबर वायर में क्या आएगा, जो रबर वायर के लिए है वो डेल्टा एल आर आ जाएगा। तो एक डेल्टा एल एस है, एक डेल्टा एल आर हो गया। अब आपको यहां करना क्या है, देखिए जब आपको कंपेयर करना होता है कि कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, कौन सा वायर कम इलास्टिक है, या रॉड इलास्टिक ज्यादा कौन सी है, तो आप वहां पे यूज करते हैं यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। क्या होता है, यहां लिखोगे यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है आपके पास, यंग मॉडुलस है। क्या होता है, यंग मॉडुलस,
y इज इक्वल टू होता है एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल होता है। ये होता है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं किसके लिए, मैं बात कर रहा हूं स्टील के लिए, तो क्या आ जाएगा फॉर स्टील क्या आएगा, यहां लिखा जाएगा वाई स्टील, तो एस का मतलब होता है स्टील, तो स्टील वायर के लिए जो यंग मॉडुलस होगा कितना आएगा, वो आएगा एफ, क्योंकि दोनों पे फोर्स सेम लगा है, फोर्स वही रहेगा, लेंथ सेम है, सेम हो जाएगी, एरिया भी दोनों का सेम है, ए रहेगा, एल की जगह पे क्या आ जाएगा डेल्टा एल एस आ जाएगा। वैसे ही क्या आ जाएगा फॉर रबर वाई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई आर आ जाएगा। यहां से क्या आएगा एफ एल, दोनों का फोर्स, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई किया है, दोनों की सेम लेंथ है, दोनों का सेम एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो ए रहेगा और ये आ जाएगा डेल्टा एल आर आ गया। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाता है, देखो यहां से क्या आएगा, नाउ ये आ जाएगा वाई एस अपॉन वाई आर, वाई एस अपॉन वाई आर की वैल्यू क्या आएगी, देखिए एफ एल अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, एफ एल अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, तो जब डिवाइड करोगे तो होगा क्या कि ये नीचे रहेगा, ये इसको ऊपर जाना है, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। कैसे, पहले मैं लिख देता हूं, देखिए एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल एस, नीचे क्या आएगा एफ एल ए डेल्टा एल आर, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख देंगे, ये आ जाएगा कितना डेल्टा एल आर, नीचे आएगा डेल्टा एल एस, ये आ जाएगा। अब यहां से देखिए ये चीज आप निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं कि आपको ये समझ में आ गया कि यहां से कि जो वाई एस है अपॉन वाई आर है, यहां रिलेशन ये आ चुका है डेल्टा एल आर अपॉन डेल्टा एल एस। एक्सपेरिमेंटली आपको क्या पता है, एक्सपेरिमेंटली हम ये ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम ये ले सकते हैं कि जो डेल्टा एल आर होता है वो ज्यादा होता है किससे, डेल्टा एल एस से। एक्सपेरिमेंटली हमको ये पता है कि अगर हम एक रबर का वायर ले लें तो रबर का वायर आसानी से खिंच जाता है एज कंपेयर टू स्टील वायर, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पे ये बात आ जाती है कि डेल्टा एल आर अपॉन डेल्टा एल एस इज ग्रेटर देन वन आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है वन से ज्यादा है, तो मैं क्या ले सकता हूं, यहां से इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, तो हम फर्स्ट और सेकंड को यूज कर लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा वाई एस अपॉन वाई आर, क्या आ जाएगा जरा इसकी जगह क्या लिखोगे आप, इसकी जगह लिखोगे कि ये वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू है वन से बड़ी है, इसका मतलब हम इसको ऐसे ले सकते हैं वन, मतलब इसकी जगह देखिए इसकी जगह क्या ले सकते हैं, जो ये वैल्यू है डेल्टा एल आर अपॉन डेल्टा एल एस इज ग्रेटर देन वन, तो इसकी जगह क्या है वन से बड़ी है, वन से बड़ी हो सकती है दो हो सकता है थ्री हो, तो यहां पर टू या थ्री कुछ लिखे उससे अच्छा कि यही लिख देते हैं ग्रेटर देन वन, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर आ जाएगा। हमें यही बताना था कि स्टील इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू रबर, तो हम यहां ले सकते हैं हेंस स्टील इज मोर इलास्टिक एज रबर, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, अब 11th क्लास में तो ये क्वेश्चन टच ही किया जाता है, तो होपफुली आपको आसानी से समझ में आ गया है कि इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ दो वायर आपको कंसीडर करने हैं, और दोनों वायर कैसे होंगे, सेम लेंथ के होंगे, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन के होंगे, दोनों में सेम फोर्स अप्लाई करना है, तो दोनों की लेंथ में क्या आएगा, चेंजेस आएगा, और वो चेंज इन लेंथ क्या होगी वो कंसिडर करना है। उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला यंग मॉडुलस का आपको यूज करना है, सिर्फ ये यूज कर लीजिए यंग मॉडुलस, और इस फॉर्मूले को यूज करके एक बार स्टील के लिए अप्लाई कर दीजिए, एक बार रबर के लिए अप्लाई कर दीजिए, दोनों का रेशियो कर लीजिए, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि वाई स्टील इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू रबर। स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।